ऑलराइट गाइस, आगे हम फिर से न्यू वीडियो के साथ। सो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे डालते हैं वीडियो में। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा रहेगा कि मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है। हाँ, मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स चालू थे। आधे से जन को पता है, आधे से लोग को पता है। सो इसलिए वीडियो लेट आ रही है। और मैंने दो तीन बार पोल डाला था कि किस पर वीडियो चाहिए, टोटल वीडियो किस पे चाहिए आपको। तो बहुत सारे लोग का मुझे अलग अलग आंसर्स आया, पर ज़्यादातर ब्लिंकिंग इफेक्ट के ऊपर आया। सो मैं आज आपको बताऊंगा ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे हम वीडियो में डालते हैं। सो वीडियो का टाइम ना वेस्ट करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो आपको पता ही है, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, VN एप्लीकेशन। जो भी मतलब कि एप्लीकेशन है, VN, प्रीक्यूल, कैपकट वगैरह जो भी है, आपके पास रहनी चाहिए क्योंकि एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन वही है। सो VN एप्लीकेशन आपके पास नहीं है, जो भी नए आए वीडियो पे उनको पता नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए थे सब एप्लीकेशन की, उधर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। सो सबसे पहले हम VN एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। सो VN एप्लीकेशन हम इधर से ओपन कर लेंगे। VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो ऐड कर लो। सो मैं इधर से कोई भी मेरा एक प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ। सो मैं इधर से ये प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ, जो भी है। सो आपको प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है। सो मैं इसका सब पहले साउंड कम कर लेता हूँ। सो आपके वीडियो पे जो भी बीट्स के ऊपर आपको लगानी है ब्लिंकिंग इफेक्ट, सो वो बीट पे आप पहले बीट मार्क कर लेना साउंड के ऊपर। सो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब कि बेसिकली बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ब्लिंकिंग इफेक्ट ऐड करना है जो ग्लो होता है। सो मैं अभी फिलहाल तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसा रहता है। सो मैं साइड में वापस बता देता हूँ कि ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसा रहता है। सो वो देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे रहता है। सो मैं अभी बताता हूँ ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे रहता है। सो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है इसके लिए, सबसे पहले एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है ब्लिंकिंग इफेक्ट के लिए। वो क्या ऐड करनी पड़ती है, इधर से हम जाएंगे, इधर जो स्टॉक से उसमें जाएंगे, उधर से हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे हम, इधर से एक वाइट बैकग्राउंड। सो वाइट बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इधर से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे, उसके जो 19.16 वाला जो साइज है तो उस पर क्लिक कर लेंगे, इधर से ऐड कर लेंगे। सो ऐड करने के बाद इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे क्या ब्लिंकिंग इफेक्ट ये करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज कर लेंगे, उसको हम कर देंगे ओवरले। सो ओवरले कर लेंगे तो ऐसा जो ग्लो आता है वो ज़्यादा मतलब ओवर दिख के आ रहा है। सो हम पहले इतना कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इनका ओपेसिटी कम कर सकते हैं आपको करना है तो। तो मैं तो रखता हूँ ओपेसिटी कम ही रखता हूँ, ऑलमोस्ट 50-60-70 के आसपास, मैं 100% नहीं रखता हूँ कोई वीडियो में। सो इतना करना है आपको। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका जो मोशन से उसको आपको एडजस्ट करना है। सो मोशन कैसे एडजस्ट करना है, आपको फेड में जाके पूरा बढ़ा लेना है ड्यूरेशन, इसमें भी आउट एनिमेशन में और इन एनिमेशन में पूरा दोनों में बढ़ा के रखना है। उसके बाद आपको इसको आपके बीट के हिसाब से कैसा ब्लिंक करना है उसके लिए आपको इसका ड्यूरेशन कम भी कर सकते हो। सो देखिए, देखो ब्लिंक कैसे हो रहा है। सो ये इस तरीके से काम करता है ब्लिंकिंग इफेक्ट। आप मल्टीपल बार्स भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं अभी इधर डुप्लीकेट बना रहा हूँ इनका। सो इधर लगा दिया मैंने, इसको भी मैंने इधर लगा दिया। तो ऐसे आप लगा सकते हो ब्लिंकिंग इफेक्ट का, ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ये वीडियोस में बहुत अच्छा दिखता है। सो मैं इधर से डुप्लीकेट बना रहा हूँ और इधर ऐड भी कर देता हूँ। सो मुझे और बहुत भी क्वेश्चंस थे, और मुझे कल भी आई थिंक मैं कल दिवाली ब्लॉग्स डालूंगा, दिवाली डेली ब्लॉग। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं वो वीडियो डालूँ क्या नहीं, और मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा मैं वो वीडियो डालूँ क्या नहीं। सो यही, और ब्लॉग्स आएंगे, ब्लॉग्स अपने जो जो जिसने ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके पहले जाके ब्लॉग्स भी देख लेना, ब्लॉग्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए। आपको अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करो। और इंस्टाग्राम तो भाई 2 महीने से बंद है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे बात करनी, फिलहाल इतना कर लेते हैं, हमको बता देते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू भी। सो इधर से हम पहले इधर से प्ले करके देखेंगे, तो ब्लिंकिंग इफेक्ट देखो, अभी ब्लिंक हुआ, फिर ब्लिंक हुआ, फिर ब्लिंक हुआ, फिर ब्लिंक हुआ। सो इस तरीके से ब्लिंकिंग इफेक्ट काम करता है। सो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे डालते, सो इस तरीके से ब्लिंकिंग इफेक्ट डालते हैं।
सो आप देख लिया कितना इजी है ब्लिंकिंग इफेक्ट। सो अभी ये वीडियो अभी मतलब कि क्लोज करते हैं और अभी इंस्टाग्राम की बात कर लेता हूँ। 2 महीने से मैं एक्टिव नहीं था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे, मैं खुद बीमार था, मेरे को बार 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 बीमार पड़ रहा था। मैं कुछ रीज़न से मैं बार बार ट्राई कर रहा था, वापस बीमार पड़ जा रहा था। सो इतनी प्रॉब्लम समझो और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ सपोर्ट कर दो। और कुछ नया कंटेंट तो आने वाले हैं, वैसे भी मैंने बहुत कुछ सोचा इंस्टाग्राम के लिए। सो आप सपोर्ट करो, जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साइड में भी आईडी दे दूंगा। सो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।